हाय गाइस, सो यार जब हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे होते हैं, लाइक 11th 12th में होते हैं या फिर अपने 10th क्लास में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से या फिर रिलेटिव से ट्राई करते हैं पूछने का। बट होता है कई बारी कि देर इज़ नो वन टू टेल यू कि एक्चुअली क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन दैट पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, देर इज़ नो वन इन माय होल एक फैमिली जिसने इंजीनियरिंग करी हो, एंड मतलब मेरे बाद करी है लोगों ने, बट मेरे से पहले किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी थी, किसी ने कंप्यूटर साइंस ही नहीं करी थी। तो आई हैड नो वन टू आस्क क्वेश्चंस, तो मेरे को हमेशा डाउट्स रहते थे। मैं फिर सीनियर से पूछता था, आसपास लोगों से ट्राई करता था पूछने का, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू फिगर इट आउट ऑन माई ओन। बट लाइक फॉर यू, आई एम देयर। पहले यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं था व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, बट अब तुम्हें जो थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो 14 घंटे काम कर रहे होते हैं, 15 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो वीकेंड्स पे काम कर रहे होते हैं, वो पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठ के कोड कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो मिथ्स होते हैं ना, इन सारे मिथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज वाली वीडियो में, एंड ये सारे मिथ्स तुम्हारे बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें डाउट ना हो जब तुम अगर इसको चूज़ करते हो एज अ करियर आफ्टर योर कॉलेज और इन योर 11th 12th। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा पूरा टोटल, तो तुम कैसे चूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगी, लाइक डार्क साइड एक्चुअली, कि अच्छे चीज़ों के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं कि 50 लाख मिलते हैं, 60 लाख मिलते हैं, 20 लाख मिलते हैं, 30 लाख मिलते हैं, बट वट इज़ द एक्चुअल रियालिटी, वो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट आज इस वाले वीडियो में मिथ्स के बारे में बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तो थोड़ा सब कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि कल ही आया हूँ मैं वापस, तो ये सब आके वापस समेटते हैं, वो कुछ नहीं है। एक सबसे बड़ा डाउट तो यार ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं, दे आर वेरी बोरिंग। बस बैठे रहना होता है, पूरे पूरे दिन काम करना होता है, वीकेंड्स पे लाइफ नहीं होती है, वीकेंड्स पे भी काम मिल जाता है। सो इज़ दैट एक्चुअली ट्रू? यार देखो, एक तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अब मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, इट विल बी रिलेटेड टू मी, माई फ्रेंड्स, ठीक है, जिन लोगों ने कंपनी ज्वाइन करी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, सबके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम कोड नहीं कर रहे होते हो, बिकॉज द एक्चुअल वर्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज नॉट टू कोड, इट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिलती है, वट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दैट, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। एंड जैसे जैसे तुम सीनियर रोल्स पे जाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा एक्चुअल कोड करने का काम बहुत कम होगा, बट डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट विल बी द मेजर टास्क। तो शॉर्ट आंसर इज कि नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज सिटिंग ऑन द डेस्क, पूरे टाइम बैठे नहीं रहना होता। वीकेंड्स आर फन, इट्स अप टू यू हाउ, लाइक तुम्हें क्या फन की तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, तुम्हें क्या करना पसंद है उस पर डिपेंड करता है वो। तो तुम्हें बाहर जाना पसंद है, तुम जा सकते हो, एंड वीकेंड्स पे काम करना पड़ सकता है कभी कभी, इफ देयर इज अ वेरी हार्ड डेडलाइन एंड तुम उसको नहीं मिस कर सकते, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वीकेंड में काम करना पड़े। बट ऐसे 2% 3% होती है, लाइक अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। बाकी चलो ऑफिस चलते हैं एंड लेट्स टॉक ऑन द वे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, जॉब रेडी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स वाला आपके लिए लाया है 3 काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी अमेजिंग कोर्सेज। इनकी काफ़ी अमेजिंग बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, एंड यहाँ पे ना आपको एक हाइब्रिड मॉडल मिल जाता है जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 काफ़ी अमेजिंग कोर्सेज हैं। तो पहला है वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स है, सेकंड वन इज डेटा साइंस मास्टर्स, एंड थर्ड वन इज जावा विद डीएसए सिस्टम डिजाइन। एंड इन सब कोर्सेज में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं, एंड इसके साथ आपको डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो 12 hours a day एंड 6 days a week। प्लस आपको 1-on-1 रिज्यूमे सपोर्ट मिल जाता है, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं, एंड करियर गाइडेंस भी मिल जाती है। काफी लोगों के पास पुराने लैपटॉप्स होते हैं एंड वो ना ज्यादा कंपटीशन वगैरह झेल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यू के पास एक काफी अमेजिंग सॉल्यूशन है, इसका नाम है पीडब्ल्यू स्किल लैब्स। यहाँ पे आपको इन ब्राउजर आईडी मिल जाता है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, सो जो आपको रैम और सीपीयू की नीड है वो नहीं रहेगी, एंड आपको नया लैपटॉप नहीं लेना पड़ेगा। एंड जब आपको लगे कि कोर्सेज के बाद आप जॉब रेडी हो चुके हैं, तो पीडब्ल्यू स्किल्स में आपको जॉब पोर्टल भी मिल जाता है, जहां पे जाके आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन कोर्सेज पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा होगा, बस आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके थ्रू जाना है एंड यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज एंड रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेकंड डाउट ये आता है लोगों को कि क्या द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स आर ओनली फॉर tier 1 स्टूडेंट्स लाइक IIT NITs। अब इसमें देखो, अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन गूगल की बात करोगे, तो मैं बताऊंगा लाइक ऑनेस्टली 60-70% लोग इन्हीं कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वर्क हार्ड इन द 11th 12th एंड दे आर हेयर अप, क्योंकि उनको आदत होती है हार्ड वर्क करने की। बट देर आर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दीज कॉलेजेस एंड वर्किंग एट दीज कंपनीज,
एंड इन जनरल और कंपनीज में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस के लिए भी, तो ऐसा नहीं है समझ बस टीयर वन कॉलेज के लिए होते हैं। चलो एंड ये लोग अगर कोई तुम्हें बोले कि अगर तुम किसी टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज से हो तो तुम्हारा अच्छे कंपनी में नहीं हो सकता, आई हैव मेड सो मेनी वीडियोज सो मेनी पॉडकास्ट विद पीपल जिन्होंने टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज से ही निकाली हैं कंपनीज एंड दे आर वर्किंग देयर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। चलो अब ऑफिस चलते हैं। सो यार वी आर इन ऑफिस, बट यार कितनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक और डाउट जो बहुत ज़्यादा होता है लोगों को कि इज़ द करियर ओनली फॉर लाइक नेक्स्ट 10-15 ईयर्स SGE का, ऐसा नहीं होता। लाइक आई हैव सो मेनी पीपल वर्किंग अराउंड मी, दोज आर एट सीनियर लेवल्स, मतलब दो पाथ्स होते हैं, इधर यू बिकम अ मैनेजर और यू बिकम अ प्रिंसिपल इंजीनियर या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो विच एवर यू टेक इज अपॉन यू, वो तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम्हें अगर मैनेजमेंट साइड जाना है तो मैनेजरियल रोल्स ले लेते हो, अदरवाइज यू बिकम सीनियर लाइक इंजीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर एंड उस डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऐसे रोल्स में आगे बढ़ते रहते हो। तो एक और डाउट होता है सबके दिमाग में कि इज इट ओनली फॉर CS पीपल जो मतलब जो कंप्यूटर साइंस लेते हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं है। आई हैव पीपल अराउंड मी जो इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ECE कर रखी है एंड दे आर लाइक वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग अलग कंपनीज में, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आई हैव ऑल्सो मेट पीपल जो सिविल से थे मैकेनिकल से थे एंड उसके बाद दे जॉइंट लाइक कंपनीज लाइक अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट, तो मुश्किल मतलब मुश्किल होता है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बस यू नीड टू नो द बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस DSA, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स तुम्हें पता होना चाहिए, DSA पता होना चाहिए, तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेटवर्किंग बेसिक ये ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बाकी तुम काम के साथ सीखते रहते चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स बस उन्हीं के लिए जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है, एंड जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं वो तो मतलब कभी ये जॉब कर ही नहीं सकते, तो इसमें कुछ पार्ट सच है कुछ पार्ट झूठ है, ठीक है। तो आई हैव टेकन इंटरव्यूज ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी 12th क्लास तक सब कुछ हिंदी मीडियम में किया था, दे लर्नड इंग्लिश वाइल दे वर इन कॉलेज एंड चीज़ें कर करके लोगों से कॉन्वर्सेशन कर करके उन्होंने इंग्लिश सीखी एंड नाउ दे आर वर्किंग एट गूगल। लाइक वन ऑफ द इंटरव्यूज विच आई टुक, ही इज करेंटली वर्किंग एट गूगल, समवन एल्स वॉज वर्किंग एट PayPal, एंड ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो तुम काम नहीं कर सकते, इट्स गुड टू नो इंग्लिश एंड जनरली क्योंकि तुम बाहर वाली टीम से लाइक कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो चाहिए होती है, बट इट्स नॉट कि मतलब इंग्लिश तुम सीख नहीं सकते बाद में, बिल्कुल सीख सकते हो। बाकी यार और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, अगर तुम्हें इसके अलावा कोई डाउट्स हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बता देना। बाकी मैं ऑफिस वॉफिस जाके आज आ चुका हूँ, थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैंने ऑफिस के टाइम भी रिकॉर्ड करी थी जब मैं वापस आ रहा था। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि शुड यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई और पाथ तुम्हें फॉलो करना चाहिए, बट आई वुड रिकमेंड इज कि तुम पहले सोचो कि तुम्हें किस चीज़ में एक्चुअली इंटरेस्ट है, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज काफ़ी पैसे मिलते हैं मतलब, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आल्सो जॉइंड, ठीक है, कोई इसमें फिल्टर नहीं है क्योंकि पैसे अच्छे खासे मिलते हैं एंड यू कैन गेट रिटायर्ड एट 40-45 बिकॉज यू विल अर्न 15 साल में 20 साल में इतना ज़्यादा कि यू डोंट हैव टू वर्क टिल 60, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो टेल मी योर थॉट्स, कैसा लगा तुम्हें वीडियो देख के, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो तुम जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक डिट एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। मिथ्स वाली वीडियो तो हमने बना दी है, एक डार्क साइड वाली वीडियो भी आएगी, कुछ चीज़ें हैं जो सब नहीं बताते हैं वो हम बताएंगे तुम्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो।